कि गोवर्धन पहुंचे डीएम ने सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया व उनमें निर्माण कार्य का जायजा भी लिया। गोवर्धन देहात क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में सांसद निधि के द्वारा चल रहे कायाकल्प के कार्यों का डीएम पुलकित खरे ने निरीक्षण किया, जहां उन्होंने दानघाटी गली स्थित प्राथमिक विद्यालय के निरीक्षण के दौरान फर्नीचर को परखा। उसके बाद कमरों में चल रहे टाइल्स के कार्य सहित इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य को देखा। निरीक्षण के बाद डीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देहात क्षेत्र में 10 विद्यालयों में कार्य हुए, जिनमें 3 स्कूलों का कार्य अभी बाकी है, जिनको आगामी 26 जनवरी तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के बाद वह कार्य से संतुष्ट नजर आए। निरीक्षण के दौरान उनके साथ एसडीएम गोवर्धन, यू आलोक वर्मा व अन्य प्रशासन के कर्मचारी मौजूद थे। डीडी शर्मा, मथुरा, समाचार 24। माननीय सांसद महोदय द्वारा सांसद निधि के अंतर्गत गोवर्धन के इस विद्यालय में फर्नीचर दिए गए थे। जिलाधिकारी के रूप में मेरा ये दायित्व है कि ये कार्य ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है, किस क्वालिटी के फर्नीचर की सप्लाई है, इसका मैं चेकिंग करूँ। तो आज औचक रूप पे इस विद्यालय का चयन करते हुए इस बात को चेकिंग करा गया कि जो फर्नीचर की सप्लाई हुई है वो ठीक मानकों के अनुसार है या नहीं, और उसी के हिसाब से अब जो अन्य फर्नीचर अभी कुछ संख्या में आने बाकी हैं उसको ओके करते हुए फर्नीचर मंगाए जाएंगे। साथ ही साथ विद्यालय की जो प्रधानाचार्य हैं उनसे भी बात हुई, क्योंकि विद्यालय अभी बंद है, लेकिन जो यहाँ टाइल का काम हुआ है, जो इंटरलॉकिंग का काम हुआ है, कायाकल्प के अन्य काम हुए हैं, कुछ काम अवशेष बताए गए जो टॉयलेट में टाइलिंग का है, उसके लिए 26 जनवरी तक के लिए ईओ साहब को निर्देशित कर दिया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि न केवल इस स्कूल में बल्कि जो 2-3 स्कूल अभी बाकी हैं उनमें भी कायाकल्प का काम 26 जनवरी तक पूरा हो जाए। सर, अभी भ्रमण किया आपने तमाम विद्यालयों, क्या कमियां कहीं प्राप्त हुई कुछ? नहीं, जैसे मैंने कहा यही एक विद्यालय मैंने अभी देखा है और मुझे ईओ साहब ने बताया कि 3 और विद्यालयों में काम चल रहा है। तो बैठक में मैंने कई बार कहा है कि 26 जनवरी हम लोगों ने एक सीमा निर्धारित करी है जब विद्यालयों के कायाकल्प काम समाप्त हो जाएंगे, और इसमें अच्छा काम हुआ है। पूरे गोवर्धन में मुझे बताया गया कि 10 विद्यालय हैं नगरीय क्षेत्र में, उसमें से अब 3 में ही कायाकल्प का काम पेंडिंग है। तो हम उम्मीद करते हैं वो भी पूरा हो जाए। थैंक यू।